आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा मसाला। इजी मगर परफेक्ट, मसालेदार और टेस्टी। एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाने को मन करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीस कुकिंग एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई मैंने गर्म कर ली है। अब इसमें हम 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं बॉईल करके, इसे धीरे धीरे डालना है। और अब इस पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और तेल में अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। बॉईल अंडों को इस तरह से अगर आप फ्राई करेंगे तो ऊपर से थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो वैसे नॉर्मल भी बना सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अभी अंडों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब इसी ऑयल में, ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं बारीक काट कर, इसे डाल देना है। प्याज को अच्छे से 2 मिनट तक तेल में भूनना है। ये देखिए, 2 मिनट तक प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 करी पत्ता, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और प्याज के साथ 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। देखिए, अच्छे से सब कुछ भून चुका है। अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है तेल में ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, मसाले भी तेल में अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इसे प्यूरी कर लिए, इसे डाल देते हैं। आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मिक्स करना है अच्छे से। और इसे ढककर अभी 10 मिनट तक टमाटर को अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, 10 मिनट तक टमाटर को अच्छे से पका लिया। आप देख सकते हैं ऑयल भी अच्छे से छोड़ चुका है। अच्छे से मिक्स करना है फिर से 1 मिनट तक। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने अंडे बॉईल करके रखे थे और थोड़े से फ्राई किए थे, उसे मिक्स करना है अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो आप 1/2 कप या 1 कप पानी डाल सकते हैं। अभी इसे ढककर 2 मिनट तक सिर्फ पकाना है। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, फिर से मिक्स करना है। और ये देखिए, हमारा मस्त गर्मा गर्म अंडा मसाला बनकर तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारा टेस्टी और मसालेदार अंडा मसाला बनकर तैयार है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।